चैप्टर वन केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और इस चैप्टर में करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर चल रहा था, जिसमें आपका चार में से तीन पॉइंट क्लियर हो चुका था एक्टिविटी के आधार पे। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स किए थे। दूसरा, देयर इज़ सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल स्पेस, इसका भी स्टडी हो गया था। पार्टिकल्स आर मूवेबल इन नेचर, ये भी हो गया था, ब्रोनियन मोशन हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट करैक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चौथा करैक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखो, जब हम सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंसेज स्टडी किए तो फर्स्ट पॉइंट में सारे का डिटेल्स था कि सॉलिड में हम क्या देखते हैं, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स स्ट्रांगली हेल्ड अप किए हुए रहते एक दूसरे को। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन पावर किस में ज़्यादा है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, सो दैट सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक में आकर के अरेंज हो जाते हैं क्लोजली पैक। तो यहाँ पर हम क्या देंगे सॉलिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स एंड हेल्ड पार्टिकल्स ईच अदर स्ट्रॉन्गली। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड अप किए हुए हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी हाई है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? लिक्विड में हम लोग क्या स्टडी किए थे कि लिक्विड का स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होकर के क्या होता है, मॉडरेट अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें। तो मॉडरेट अट्रैक्शन फोर्स है, क्या हुआ, मॉडरेट अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसके पार्टिकल क्या एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्या स्ट्रांगली तो हेल्ड अप नहीं कर पाएंगे इसके पार्टिकल। तो पार्टिकल्स आर नॉट स्ट्रांगली हेल्ड ईच अदर, एक दूसरे को तो स्ट्रांगली हेल्ड नहीं कर पाएंगे इसके पार्टिकल। लेकिन गैस में हम क्या देखते हैं, वेरी लेस अट्रैक्शन फोर्स गैस में होते हैं, वेरी लेस अट्रैक्शन फोर्स। जब वेरी लेस अट्रैक्शन फोर्स है तो पार्टिकल्स आर वीकली अट्रैक्ट ईच अदर, स्ट्रांगली ये नहीं कर रहा है तो ये तो वीकली अट्रैक्ट कर, ये वेरी वीकली अट्रैक्ट करेगा ना एक दूसरे को। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड ईच अदर वीकली, एक दूसरे को जो पकड़े हुए है ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े हुए हैं, ये मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े हुए हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े हुए। दीज आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कोई प्रॉब्लम समझने में? इसको उतार लीजिए पहले। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का अब स्टडी हो रहा है करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बाद, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस देखिए, लिक्विड को यदि हम हीट किया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, और जब वेपर को कूल किया तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर? तो पहली बात,
कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, तो ये जो होते हैं केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस, तो ये फिजिकल प्रोसेस होते हैं। क्यों हम इसे फिजिकल प्रोसेस कहेंगे, तो फिजिकल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो सब्सटेंसेज होते हैं उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है, उसके फॉर्मूलेशन समाप्त नहीं होते हैं। तो लिक्विड का फॉर्मूला क्या है, वाटर H2O, वेपर में भी H2O है या नहीं है, तो क्या इसके फॉर्मूला में किसी तरह का कोई अंतर आया क्या, यानी इसके फॉर्मूलेशन में कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चेंज हो रहे हैं फिजिकल स्टेट में। समझ में आ रही है ना, तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है फिजिकली, सो दैट हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नहीं फिजिकल प्रोसेस। कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि लिक्विड की आइडेंटिटी समाप्त नहीं हुई। क्या आइडेंटिटी, तो लिक्विड जो वाटर बने हुए हैं ये किस चीज़ का बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल का। अब वेपर में भी तो H2O मॉलिक्यूल है या नहीं है, यानी उसके फार्मूला में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हुए, इसलिए हम कंडेंसेशन को फिजिकल प्रोसेस के नाम से जानेंगे। पूछा जाएगा कंडेंसेशन फिजिकल प्रोसेस कैसे है, केमिकल प्रोसेस क्यों नहीं है, तो आप कहिएगा कि फिजिकली कन्वर्जन होता है वेपर का लिक्विड में। समझ में आ रही है ना, और अगर हम वाटर लिक्विड है तो वाटर का वेपर में भी H2O मॉलिक्यूल होंगे और लिक्विड वाटर में भी H2O मॉलिक्यूल होंगे, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं हुआ जब हम हीट किए तब, यानी कि ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस। सेकंड पॉइंट कि कंडेंसेशन प्रोसेस कहेंगे किसे हम, व्हेन वेपर इज कूल डाउन टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सच प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस के नाम से जानेंगे। वह प्रोसेस जिसमें वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं हम उस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे, तो कूल करेंगे तब ना लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, तो कूल करने का ही प्रोसेस क्या कहलाया, और लिक्विड को हीट करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को या तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस कहेंगे या नहीं तो वेपोराइजेशन प्रोसेस के नाम से भी जानेंगे। इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, लेकिन इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर होता है। एनीवे, थर्ड पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक आयरन का गेज ले लिया, आयरन गेज का मतलब लोहे की तार की जाली, आयरन नेट। समझ में आ रहे हैं ना, आयरन नेट ले लिया। अब इस आयरन नेट को हमने क्या किया, एक स्टैंड के ऊपर डाल दिया। अब इस स्टैंड को के नीचे बंसेन बर्नर के द्वारा हम इसको हीट करेंगे, बंसेन बर्नर, क्लियर। अब इस आयरन नेट का जो तार की जाली है, इस तार की जाली पे हमने एक चाइना डिश रख दिया, कोई बर्तन रख दिया। अब इसके बाद हम इसमें लिक्विड भर देते हैं, वाटर भर देते हैं, ये वाटर है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर में गया, हीट कर रहे हैं तो हीट एनर्जी कहाँ गया, सिस्टम के अंदर में, और सिस्टम के अंदर में कौन है, वाटर है। तो H2O मॉलिक्यूल जो है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है कहाँ पे, सो देखो ये हीट एनर्जी लिक्विड में गया वाटर में, तो वाटर में जाने के बाद वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब किया,
और वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हीट एनर्जी वाटर के माध्यम से किस में गया, वेपर में ना गया जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। तो वेपर में गया तो एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम टेम्परेचर इसके अंदर में डाल रहे हैं तो H2O मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा? जब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मूवमेंट बढ़ करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, पहली बात। सेकेंड पॉइंट कि हीट एनर्जी दिए तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किसने किया, H2O मॉलिक्यूल, और H2O मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, वेपर में। यानी वेपर कंटेंस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ये वाटर बॉयल कर रहा है ना, एनर्जी दिए तो आप इसमें, तो बॉयल कर रहा है तो एनर्जी फिर इससे ट्रांसफ़र किस में हो रहा है, वेपर में हो रहा है। तो वेपर में जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कम और वेपर का टेम्परेचर क्या हो गया, यानी वेपर कंटेंस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, वेपर कंटेंस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के अपेक्षा में वेपर जो होंगे वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि वेपर इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। आखिर में क्यों, वेपर इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, कहने का मतलब क्या है इस चीज़ को समझिए। हम चूल्हे पे किसी बकेट में वाटर रख करके उसको नीचे से बर्नर को ऑन करके जला देते हैं और उस बकेट को ढक्कन से ढक देते हैं, क्लियर। जब पानी गर्म होना शुरू होगा, बॉयल करना शुरू करेगा, तो वेपर की मात्रा ज़्यादा बनेंगे। तो अंदर में ढक्कन से बंद है बर्तन, तो बीच का जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस, उसमें कंप्लीट वेपर आ गए। जो ही ढक्कन को हटाया, स्लाइड को हटाया, त्यों ही वेपर का एक झोंका आपके चेहरे पे लगा, तो आपके चेहरे को वो क्या किया, झुलसा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, वेपर कंटेंस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, और उस वेपर में एनर्जी बहुत ज़्यादा था, हीट एनर्जी। तो वो जो ही ढक्कन हटाए तो वेपर किसके चेहरे पे आया, आपके चेहरे पे आया, और आपके चेहरे पे वेपर कंडेंस कर गया, जमा हो गया। जो ही आपके चेहरे को पे वेपर आया तो ही वेपर जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उतना एनर्जी क्या किया, आपके चेहरे पे लीव आउट कर दिया, छोड़ दिया। तो आपका चेहरा बर्न करेगा कि नहीं बर्न करेगा, समझ में आ रही है ये पॉइंट। क्या बताया गया है कि वेपर इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, वाई? तो वेपर इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, चूँकि वेपर कंटेंस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, और वेपर आपके चेहरे पे कंडेंस किया तो जितना एनर्जी वेपर ने एब्जॉर्ब किए हुए था उतने एनर्जी को आपके चेहरे पे वो लीव आउट कर दिया, तो आपका चेहरा, स्किन आपका जलना शुरू कर दिया, क्लियर। यानी वेपर काउजेज सीवियर कंडीशन एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। कोई दिक्कत समझने में, कंडेंसेशन प्रोसेस में? इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, सब्लिमेशन क्या होता है।
सबलिमेशन, देखो सॉलिड है, इस सॉलिड को हमने हीट कर दिया, हीट कर दिया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में, विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड को जब भी हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा लिक्विड स्टेट में, जैसे आइस हो गया, आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लोहा एवं 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएंगे, पिघल जाएंगे। लेकिन ये सॉलिड किस सॉलिड के बारे में बोल रहा है कि सॉलिड को अगर हीट किया तो क्या में कन्वर्ट हो गया, और यदि वेपर को कूल किया तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड को हीट करना और हीट करके वेपर में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाया, सबलिमेशन। क्लियर। और वेपर को कूल किया, कूल किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को बोला गया डिसबलिमेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी डिफिनीशन क्या होगा इसका, व्हेन सॉलिड इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू वेपर फेज विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं करना है उसको, किस में क्या हमें चेंज करना है, वेपर में चेंज करना है, तो हम उस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे, तो सबलिमेशन कैसा प्रोसेस है, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस है, जिस सॉलिड को हम हीट करेंगे उसका वेपर बनेगा तो उसके वेपर के फॉर्मूला में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। When solid is heated to convert into vapor or gas without change into liquid state, without change into liquid state, सच प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहेंगे हम उसको, सबलिमेशन प्रोसेस के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉलिड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, नेचर के हिसाब से कई तरह के होते हैं, तो सॉलिड एक ऐसे सॉलिड भी होते हैं जो उड़नशील है, वोलेटाइल है, जैसे नेफ्थलीन बल्ब, क्लियर, वो वोलेटाइल नेचर का है। कैम्फर, रूम टेम्परेचर पे कैम्फर को रख दीजिए ये कंटेनर से निकाल करके, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट कर जाएंगे। क्लियर। नेफ्थलीन बल्ब को निकाल करके पॉलीथीन से निकाल करके रख दीजिए, वो भी इवेपोरेट कर जाएंगे। तो सॉलिड दो तरह के हो गए, एक सॉलिड कैसा सॉलिड हो गया, वोलेटाइल सॉलिड, और दूसरा सॉलिड कैसा हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो वोलेटाइल सॉलिड में जैसे कि कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन बल्ब हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ड्राई आइस हो गया। ड्राई आइस किसको बोला गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सब कैसा सॉलिड है, तो इस सॉलिड को अगर रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही सॉलिड यहाँ पे यूज होना है, कौन सा सॉलिड, वोलेटाइल सॉलिड। तो वेपर में कौन नहीं चेंज होता है, कॉमन साल्ट, ये भी तो सॉलिड है, क्या ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं। शुगर, ये भी सॉलिड है, क्या वेपर में कन्वर्ट होंगे। ग्लूकोज,
ये भी सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड है, ये सब सॉलिड तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी हम किस सॉलिड को हीट करेंगे कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वोलेटाइल सॉलिड। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में? अब आते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूज टू सेपरेट द मिक्सचर। जैसे एक मिक्सचर लेते हैं कॉमन सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड, दोनों सॉल्ट हैं, दोनों सॉल्ट हैं, लेकिन कॉमन सॉल्ट किस तरह का सॉलिड है? ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गए। और ये कैसा सॉलिड हो गया? वोलेटाइल सॉलिड हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अब एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट करें, और वहाँ पे दो पॉइंट और आएंगे। एक पॉइंट कहलाएंगे सबलाइम और दूसरा पॉइंट कहलाएगा सबलिमेट। यानी सबलाइम और सबलिमेट क्या होते हैं, इसका हम सबलिमेशन प्रोसेस में ही यूज करेंगे। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको समझें तो अच्छा रहेगा। इसके लिए हमने क्या किया, मिक्सचर क्या है आपका, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, और हम सबलिमेशन प्रोसेस के माध्यम से इसको हम सेपरेट करेंगे। तो सबलिमेशन प्रोसेस का यूज कहाँ पे करेंगे? यूज टू सेपरेट द मिक्सचर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको इसमें समझने में? अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबलिमेशन के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक चाइना डिश ले लिया और चाइना डिश को, ये आयरन गेज है, आयरन का नेट है, तार की जाली है, इसको हमने स्टैंड पे डाल दिया। क्लियर? अब स्टैंड पे डालने के बाद हमने क्या किया, बंसेन बर्नर, इसको भी हमने एक टेबल स्टैंड पे डाल दिया। बंसेन बर्नर है ये। उसके बाद हमने क्या किया, एक चाइना डिश ले लिया। इस चाइना डिश में हमने मिक्सचर डाल दिया, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या किए हम, इसके ऊपर एक कोनिकल फ्लास्क, दिस इज कोनिकल फ्लास्क लगा देते हैं इसमें। इस फ्लास्क का अपर ओपनिंग जो है, यहाँ पे हम किसी चीज़ को लगा करके बंद कर देते हैं, चाहे हम कागज़ वगैरह लगा दें या नहीं तो हम इसमें क्या करें, कॉटन का कपड़ा लगा दें ताकि ये ओपनिंग इसका बंद हो जाए। क्लियर? अब नीचे से हम इसको हीट करेंगे तो वेपर किसका बनेगा, NaCl या NH4Cl का? तो वेपर जो उठ रहे हैं ये NH4Cl, और वेपर इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर वाले वाल के अंदर में कंडेंस कर गया, वेपर कंडेंस कर गया ना। ये क्या है, वेपर ऑफ NH4Cl। तो सारे के सारे वेपर जब निकल गए, NH4Cl वेपर के रूप में बाहर की ओर आ गए, तो इस सिस्टम में अंदर में क्या बचेगा, NaCl को हम सेपरेट कर लेंगे।
अगर हम भेपर को बर्बाद नहीं करें, अमोनियम क्लोराइड को अलग करके हम स्टोर करके रख लें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस भेपर को आप क्या करेंगे फिर, कूल करेंगे। तो कूल करेंगे तो फिर ये भेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, कूल करने के लिए हमने क्या किया, इस कोनिकल फ्लास्क के चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, कॉटन कपड़े को में को पानी से भिंगा दिया और भिंगा करके इसके चारों तरफ लपेट दिया। लपेट देने के बाद इसको ठंडा की फीलिंग हुई, कूल की फीलिंग हुई, और वेपर जब कूल होंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। अब ध्यान देना, जो वेपर बना उस वेपर को किस नाम से जानेंगे, सबलाइम के नाम से जानेंगे। और जो वेपर को कूल करके फिर सॉलिड बनाया उस सॉलिड को क्या कहेंगे हम, सबलिमेट के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यानी सबलाइम क्या हो गया, वेपर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वेपर हो गया, इज नोन एज सबलाइम, और सबलिमेट किसे कहा गया, द सॉलिड, वेपर को कूल किया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया ना, सॉलिड इज नोन एज सबलिमेट। कोई प्रॉब्लम है सबलिमेशन प्रोसेस में, एक बार समझ लीजिए सबलिमेशन कैसा प्रोसेस है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जो वोलेटाइल सॉलिड होते हैं उस सॉलिड को अगर हीट किया जाता है, वैसे उनका नेचर है, टेंडेंसी है रूम टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट कर जाने का, वेपर बन जाने का। तो अगर हीट करेंगे तो वेपर बनने की क्रिया, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाएंगे ना। तो वेपर जब बने विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में उनको चेंज नहीं होना है वेपर में, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सबलिमेशन। अब वोलेटाइल सॉलिड सबलिमेशन प्रोसेस में दो सॉलिड यूज हो रहे हैं, एक वोलेटाइल सॉलिड और दूसरा, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड का तो वेपर बनेगा नहीं, वेपर बनेंगे किसके, वोलेटाइल सॉलिड का। क्लियर? तो अगर पूछा जाएगा कि नेफ्थलीन बल्ब जो है जैसे जैसे समय पास करते हैं, ओपन कंडीशन में नेफ्थलीन बल्ब को रखा गया तो वो इवेपोरेट कर गए, वेपर में बन गए, कौन सा प्रोसेस कहलाया, सबलिमेशन। चूँकि जो नेफ्थलीन बल्ब थे वो लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं हुए, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गए रूम टेम्परेचर की उपस्थिति में, तो वो भी प्रोसेस कैसा प्रोसेस कहलाया, सबलिमेशन प्रोसेस। और सबलिमेशन प्रोसेस का यूज कहाँ पे करते हैं हम, मिक्सचर को सेपरेट करने में, वह मिक्सचर सॉलिड का, वह मिक्सचर जो एक नॉन वोलेटाइल हो और दूसरा मिक्सचर कंपोनेंट वोलेटाइल हो। तो वेपर किसका बनेगा, वोलेटाइल सॉलिड का। कोई प्रॉब्लम होगा इसको समझने में, जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। ओके एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।